हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशनल पॉइंट। आज का जो वीडियो है वो ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में है। मैंने ओ लेवल से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है ताकि जो लोग ओ लेवल करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर ओ लेवल से जुड़े सभी अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। आजकल ओ लेवल की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, खासकर वो लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में ओ लेवल को कंपलसरी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स है जैसे सबको पता है, लेकिन ओ लेवल के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें जय काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। तो आप ओ लेवल के लिए दो तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई मान्यता प्राप्त हो, नाइलेट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो। और दूसरा तरीका है कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें। आप जिस भी तरीके से चाहें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो पड़ता है वो उसके फीस स्ट्रक्चर में पड़ता है, क्योंकि यदि आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो आपको 16 से 20 हज़ार रुपये तक पे करने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें, जिसकी फीस मात्र 500 रुपये है। क्योंकि अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको ओ लेवल से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको फॉलो करके आप आसानी से ओ लेवल क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। नेक्स्ट, ओ लेवल रजिस्ट्रेशन, तो क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10+2 हो, या कोई आपने डिप्लोमा कर रखा हो 1 ईयर का, या फिर आपने ITI कर रखा हो, ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओ लेवल के लिए। एग्ज़ाम शेड्यूल, ओ लेवल के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। जनवरी के लिए अक्टूबर तक फीस जमा करनी होती है, एग्ज़ामिनेशन फीस जमा करनी होती है। मैलेट एग्ज़ामिनेशन फीस जमा करवा लेता है अक्टूबर तक। और जुलाई में जो पेपर होंगे उसके लिए अप्रैल में तक फीस जमा कर लीजिए। और आप चाहें जिस तरह से आप पेपर भर सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल में 4 पेपर हैं, आप चाहें तो चारों एक साथ भर सकते हैं, आप चाहें तो एक एक करके भर सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप किस तरह से भरना चाहें। पेपर्स देख लेते हैं, पेपर्स 4 पेपर्स हैं। जैसे पहला पेपर IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, दूसरा इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब, तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, और जो चौथा पेपर है वो ऑप्शनल है, 3 में से आपको एक चुनना है। जो 3 पेपर हैं वो हैं एप्लीकेशन ऑफ .NET टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, और तीसरा इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन टू ICT सोर्स चुनें, क्योंकि ये कंपेयरली काफ़ी इजी पड़ता है। और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल देना होता है एंड प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न जो है आपके टोटल मार्क्स 100 नंबर का है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पार्ट फर्स्ट 14 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको मार्कशीट मिलती है, जिसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। और पार्ट टू में आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको लिखना होता है। ओ लेवल में ग्रेड सिस्टम चलता है। ग्रेड सिस्टम इस तरह है, S 85% और उससे ऊपर आने पर मिलता है, A 75 और 84 के बीच में आने पर, P 65 और 74 के बीच में आने पर, C 64 और 55 के बीच में आता है, तो
और डी के लिए 50 से 54 के बीच में आते हैं आपके मार्क्स कट। और अगर आपके 50% से भी कम आते हैं तो आपको एफ ग्रेड मिलेगा, जो भी फेल को डिनोट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।